अस्सलाम वालेकुम, आई एम सलमा आसिफ। टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अ पेपर मल्टी अटेंशन एंड इनकॉर्पोरेटिंग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मॉडल फॉर चेस्ट एक्सरे इमेज रिपोर्ट जनरेशन। दीज आर द आउटलाइंस। बैकग्राउंड, बिफोर मूविंग टू वर्ड पेपर आई विल गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट बैकग्राउंड ताकि हमें पेपर आसानी से समझ आ सके। What is image captioning? Image captioning is the process of generating textual description of an image. It uses both computer vision and natural language processing to generate the captions. Captions generate करने के लिए हम computer vision और natural language processing जो दोनों fields को merge कर रहे हो कर, इस किया जाता है क्योंकि इसमें हम image के साथ भी deal कर रहे होते हैं और text के साथ भी। जेनेरिक इमेज कैप्शनिंग वर्सेस डायग्नोस्टिक कैप्शनिंग। जेनेरिक इमेज कैप्शनिंग, इन जेनेरिक इमेज कैप्शनिंग डिस्क्राइब व्हाट इज प्रेजेंट इन इमेज। डायग्नोस्टिक कैप्शनिंग, डायग्नोस्टिक कैप्शनिंग एम्स टू रिपोर्ट क्लिनिकली इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन डैट इज रेलिवेंट फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज। एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ से पेपर स्टार्ट हो रहा है हमारा। Chest X-ray images are widely used for diagnoses and treatments. Previous जितनी भी studies थी उन्होंने focus किया long report generation problem पे. According to this paper, ignored image characteristics and patient background information. Propose a hierarchical model with multi attention and consider background information. Multi attention focused on image channel and special information, incorporate patient background information, IU X-ray datasets use हुआ है। Introduction, मेडिकल में जो इमेजेस हैं जैसे चेस्ट एक्सरे सीटी स्कैन, ये इमेजेस जो होती हैं वो डिजीज़ को डायग्नोस करने और ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर इन्हीं इमेजेस में जो चेस्ट एक्सरे वगैरह में जो नज़र आ रहा होता है, जो फाइंडिंग मतलब नॉर्मल है एबनॉर्मल है, अगर एबनॉर्मल है तो इसके अंदर क्या डिजीज़ है, अगर इन्हीं चीज़ों को टेक्स्ट की फॉर्म में मतलब टेक्स्ट की फॉर्म में ले आ जाए तो उसे कहते हैं रिपोर्ट, रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग जो है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, इसमें कम से कम पाँच से दस मिनट रिक्वायर्ड होते हैं एक पेशेंट की रिपोर्ट लिखने के लिए, और उसके लिए कॉम्पिटेंट रेडियोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रीड करते हैं इमेज को और फिर जो वो उसको में इमेज के अंदर जो भी ऑब्जर्व करते हैं, जो उनकी ऑब्जर्वेशन होती है, फिर वो उसको टेक्सचुअल फॉर्म में ले आते हैं या उसे हम कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। इश्यूज़, मैन्युअली राइटिंग में इश्यूज़ क्या हैं, मतलब मैन्युअली जो राइट किया जा रहा होता है रेडियोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स जो राइट करते हैं उसमें तो एरर के चांसेस भी हो सकते हैं और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। इन इश्यूज़ को देखते हुए जो है इस प्रोसेस को ऑटोमेट किया गया है, रिपोर्ट जनरेशन के प्रोसेस को, यानी कि ऑटोमेटिकली बजाय इसके कोई मैन्युअली राइट करे ऑटोमेटिकली रिपोर्ट्स को जनरेट किया जाए। रिपोर्ट जनरेशन जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम है, इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो इसमें इमेज में ये देखना पड़ता है कि एबनॉर्मलिटी क्या है, मतलब एबनॉर्मल इमेज है या नॉर्मल इमेज है, अगर एबनॉर्मल है तो कौन सी डिजीज़ है, सिर्फ ये नहीं बताना कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये भी साथ बताना होता है कि अगर एबनॉर्मल है तो इसके अंदर कौन सी डिजीज़ है, और फिर जो आपने जो इमेज में ऑब्जर्व किया जाता है, जो भी डिटेक्ट किया जाता है, फिर उसको टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा जाता है या डिस्क्राइब किया, टेक्स्ट की फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाता है। इस वजह से ये काफ़ी मुश्किल काम टास्क है। प्रॉब्लम एड्रेस्ड, इमेज कैप्शनिंग के लिए जो आर्किटेक्चर यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर इनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर है। इनकोडर में ये होता है कि इमेज के अंदर से इंफॉर्मेशन, इनकोडर पार्ट में इमेज के अंदर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है या फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, और डिकोडर में ये होता है कि टेक्स्ट जनरेट किया जाता है या रिपोर्ट राइटिंग वाला काम जो होता है वो डिकोडर पार्ट में किया जाता है। दो इश्यूज़ जो हैं, दो एग्जिस्टिंग रिसर्च के साथ जो हैं दो प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस पेपर में डील की गई हैं। एग्जिस्टिंग जो स्टडीज़ थी उन्होंने फोकस किया इनकोडर पार्ट पे, यानी कि टेक्स्ट जनरेशन वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस किया गया और इग्नोर किया इमेज की करेक्टरिस्टिक्स को या इनकोडर के इनकोडर पार्ट को।
और दूसरा ये था कि इग्नोर पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री है या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है पेशेंट का, उसको भी चीज़ को भी इग्नोर किया गया था। और इन दो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए जो है ऑथर ने एक प्रपोज किया है मल्टी अटेंशन मॉडल। कॉन्ट्रीब्यूशन, द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस वर्क प्रपोज अ मल्टी अटेंशन मैकेनिज्म टू फोकस ऑन इमेज करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रपोज अ वर्ड एम्बेडिंग मॉडल डेट इनकॉर्पोरेट्स पेशेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड वर्क। रिसेंट ईयर में काफ़ी काम किया गया है रिपोर्ट जनरेशन पे, उसमें से मैंने दो तीन स्टेट ऑफ द आर्ट पेपर्स को यहाँ पे हाईलाइट किया है, जिन्होंने ज़्यादातर मतलब इनकोडर डिकोडर यानी कि CNN RNN बेस आर्किटेक्चर यूज़ किए हैं विद अटेंशन मॉडल मैथड। ये मॉडल आर्किटेक्चर की एक फ्लो डायग्राम है। तो इससे पहले कि हम मेथड को डिटेल में देखें, पहले हम इसको शॉर्टली देख लेते हैं कि किस तरह वर्क कैसे हो रहा है, ओवरऑल काम कैसे चल रहा है। सबसे पहले हमारे पास इनपुट आएगी इमेज, ठीक है। इमेज जो भी होगी वो रेजनेट या जो भी फिलहाल इस पेपर में रेजनेट यूज़ हुआ है, रेजनेट को दी जाएगी आर्किटेक्चर को। रेजनेट आर्किटेक्चर उसमें से फीचर्स निकाल लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और ये वाले जो फीचर्स हैं फर्दर मल्टी अटेंशन मॉडल को एज ए इनपुट दिए जाएंगे, और मल्टी अटेंशन मॉडल जो है वो इन पे काम करेगा और फर्दर कोई फीचर एक्सट्रैक्ट करेगा या आउटपुट के तौर पर कुछ फीचर्स देगा। ये इतना पार्ट जो है ये इमेज इनकोडर का पार्ट है, यानी कि यहाँ पे इमेज के फीचर्स पे, यहाँ तक इमेज के फीचर्स पे काम किया जा रहा है। अब यहाँ से जो फीचर्स जनरेट किए जाएंगे वो जो है सेंटेंस RNN को एज ए इनपुट दिए जाएंगे। ये सेंटेंस RNN और से लेकर वर्ड RNN तक जो है ये इमेज जनरेशन का पार्ट है, या जिसको डिकोडर भी कह सकते हैं। तो यहाँ से जो फीचर्स मल्टी अटेंशन मॉडल ने जो फीचर्स से जो फीचर्स आए वो सेंटेंस RNN को एज ए इनपुट दिए गए, और सेंटेंस RNN ने जो है वो टॉपिक वेक्टर जनरेट किए, ठीक है। और वो टॉपिक वेक्टर्स जो हैं वर्ड RNN को एज ए इनपुट दिए गए। वर्ड RNN को दो इनपुट यहाँ पे पास हो रहे हैं, एक तो टॉपिक वेक्टर्स पास हो रहे हैं एज ए इनपुट, और दूसरा जो है वो इनकॉर्पोरेटिंग बैकग्राउंड एम्बेडिंग, यानी कि पेशेंट की बैकग्राउंड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी वर्ड RNN को पास हो रही है, और देन वर्ड RNN इन दो के बेस पे जो है रिपोर्ट्स जनरेट करेगा। इमेज इनकोडर, इमेज इनकोडर के अंदर जो है वो रेजनेट यूज़ हुआ है इमेज के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और टू मेक सेंटेंस और थीम और टॉपिक मोर प्रिसाइज, फोकस ऑन करस्पोंडिंग इमेज फीचर्स, स्पेसिफिक इमेज फीचर्स को पे फोकस करने के लिए मल्टी अटेंशन मॉड्यूल यूज़ हुआ है। मल्टी अटेंशन मॉड्यूल जो है वो उसमें स्पेशल अटेंशन और चैनल अटेंशन आ जाती हैं। और चैनल अटेंशन और स्पेशल अटेंशन यूज़ क्यों की गई, क्योंकि जितने भी फीचर्स निकाले गए रेजनेट के थ्रू एक्सट्रैक्ट किए गए, तो सब फीचर्स की एक जितनी इम्पोर्टेंट नहीं है, एक जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सारे एक जैसी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। तो जो फीचर ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके वेट्स को हाईलाइट किया गया, उसके वेट्स को उसको हाई वेट्स असाइन किए गए, और देन उस फीचर के अंदर, स्पेसिफिक फीचर के अंदर कौन सी लोकेशन पे या कौन से पिक्सल पे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, तो उस चीज़ को देखने के लिए स्पेशल अटेंशन यूज़ हुई है। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास इक्वेशन में VL, ये जो हैं फीचर मैप हैं जो कि CNN के थ्रू या रेजनेट के थ्रू एक्सट्रैक्ट किए गए। ये हमारे पास हिडन स्टेट्स हैं, लास्ट हिडन स्टेट है ऑफ सेंटेंस बाय द LSTM। LSTM जो है वो लैंग्वेज जनरेशन के तौर पे यूज़ होता है, और LSTM RNN का पार्ट है, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को कैप्चर करता है, और सीक्वेंस प्रिडिक्शन प्रॉब्लम्स में यूज होता है। नाउ वी हैव इमेज फीचर्स एक्सट्रैक्टेड बाय द रेजनेट, दीज आर द इमेज फीचर्स एक्सट्रैक्टेड बाय द रेजनेट एंड रिपोर्ट हिडन स्टेट्स बाय द LSTM एंड रिपोर्ट हिडन स्टेट, दीज आर द रिपोर्ट हिडन स्टेट्स बाय द LSTM। नाउ वी विल कैलकुलेट द वेट्स ऑफ चैनल अटेंशन बाय इक्वेशन वन। FC जो है यहाँ पे चैनल अटेंशन फंक्शन है, FC और BL हमारे पास जो हैं वो चैनल अटेंशन के वेट्स हैं, जो इन दो के बेस के ऊपर कैलकुलेट किए गए हैं।
नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन टू में जो स्पेशल अटेंशन को के वेट्स को कैलकुलेट किया गया है, एफ सी जो है वो स्पेशल अटेंशन का फंक्शन है, और जो हमारे पास ये एफ सी है मल्टीप्लीके एफ सी इज़ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फीचर मैप चैनल एंड करस्पॉन्डिंग चैनल वेट्स. नाउ वी हैव द चैनल चैनल वेट्स. अब हमारे पास चैनल वेट्स भी हैं और विजुअल फीचर मैप भी हैं, फीचर मैप भी है, और थर्ड चीज़ जो हमारे पास है वो स्पेशल अटेंशन है. अब हम इन तीन की बेस पर जो है कैलकुलेट करेंगे रिफाइंड फीचर्स इन इक्वेशन थ्री, जो कि इक्वेशन थ्री में हमने कैलकुलेट किए रिफाइंड फीचर्स बेस्ड ऑन दीज थ्री. अब इसमें ये जो जी है इज़ अ लीनियर वेटिंग फंक्शन विच अप्लाइज एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन. यहाँ पे स्पेसिफिकली चैनल अटेंशन और स्पेशल अटेंशन का बताया गया है कि क्या होती हैं, जो कि मैंने पहले भी डिस्क्राइब कर दिया है. ओवरव्यू ऑफ मल्टी अटेंशन. तो ये हमारे पास जो डायग्राम है जो कि मल्टी अटेंशन को डिस्क्राइब कर रही है, उसके फ्लो को कि कैसे वो काम कर रहा है. तो ये हमारे पास जो फीचर्स निकाले गए थे रेजनेट के थ्रू, वो हमारे ये हमारे पास वो फीचर्स हैं, फीचर मैप है. इन फीचर मैप के अंदर लेट्स सपोज ये जो ग्रीन वाला फीचर है जिसको ग्रीन हाईलाइट किया गया है, लेट्स सपोज ये फीचर जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन है. तो इस फीचर के वेट्स जो हैं वो वेट्स कैलकुलेट किए गए चैनल अटेंशन के थ्रू, ये फीचर निकाला गया, देन इसके वेट्स कैलकुलेट किए गए. अब ये जो स्पेसिफिक फीचर है जो कि चैनल अटेंशन के थ्रू निकाला गया है कि ये इम्पोर्टेंट है, देन इसके वेट्स कैलकुलेट किए गए. अब इस फीचर में फर्दर ये देखा जा रहा है कि इस पे हम स्पेशल अटेंशन अप्लाई करेंगे कि इस फीचर इसमें जितने ये पिक्सल्स हैं इनमें कौन सा पिक्सल जो है इम्पोर्टेंट है. तो लेट्स सपोज ये जेथ पोजीशन पे जो हमारे पास पिक्सल है ये लेट्स सपोज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो देन इसके वेट्स स्पेशल वेट्स को कैलकुलेट करके करेंगे, और देन इन सब को हम लोग रिफाइन फॉर्म में जब लेके आएंगे तो हमारे पास ये जो एक्सएल जो हमारे पास फीचर मैप एक वेटेड फीचर्स आ जाएंगे. यहाँ पे वीएल जो है वो फीचर मैप्स हैं, एफसी चैनल अटेंशन फंक्शन है, बी जो है वो हमारे पास वेट ऑफ चैनल अटेंशन है, एफ एस जो है वो स्पेशल अटेंशन फंक्शन है, ए एल स्पेशल अटेंशन वेट्स हैं, और एक्स एल जो है फाइनली रिफाइंड फीचर्स हैं. फाइनली हमारे पास जो आउटपुट इनकोडर से आ रहा है वो हमारे पास ये है. ठीक है, इनकोडर ने जो पार्ट ने जो आउटपुट किया, जो चीज़ आउटपुट की, वो हमारे पास ये रिफाइंड फीचर्स हैं. टिल नाउ वी डिस्कस द इनकोडर पार्ट, अब हम डिकोडर और लैंग्वेज जनरेशन पार्ट को डिस्कस करेंगे. लैंग्वेज जनरेशन या जिसको हम डिकोडर भी कह सकते हैं, तो इसमें हमारे पास लैंग्वेज जनरेशन में तीन मॉड्यूल्स हैं. फर्स्ट है सेंटेंस आरएनएन, सेकंड इनकॉर्पोरेटिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, एंड थर्ड है हमारे पास जो वर्ड आरएनएन है. तो सेंटेंस आरएनएन इज़ अ सिंगल एलएसटीएम बेस्ड ऑन द इमेज प्रॉपर्टी वेक्टर. सेंटेंस आरएनएन जनरेट सेंटेंस टॉपिक्स और थीम्स. सेंटेंस आरएनएन का असल काम क्या है कि इसने टॉपिक्स जनरेट करने हैं या थीम सेंटेंस के अगेंस्ट थीम्स जनरेट करने हैं. तो एट ईच टाइम स्टेप्स द सेंटेंस आरएनएन रिसीव्स द फीचर वेक्टर, फीचर वेक्टर्स को रिसीव करेगा, एंड फीचर वेक्टर फ्रॉम द इमेज इनकोडर, एंड इन टर्न जनरेट्स अ हिडन स्टेट सीक्वेंस. तो हिडन स्टेट सीक्वेंस जनरेट कर देगा, जो कि हमारे पास ये होंगी हिडन स्टेट सीक्वेंस. तो ईच हिडन स्टेट सीक्वेंस हैव टू पर्पजेस. हर मतलब जो हर हिडन स्टेट के दो मकसद हैं उसको जो है जनरेट करने के. फर्स्ट ये है कि टू जनरेट अ टॉपिक वेक्टर, कि टॉपिक वेक्टर को जनरेट किया जाए फॉर टॉपिक वेक्टर क्यू आई फॉर द वर्ड आर एन एन. ये जो इक्वेशन फाइव में हो रहा है, इक्वेशन फाइव में टॉपिक वेक्टर जो है जनरेट किया जा रहा है. यहाँ पे क्यू डब्ल्यू क्यू जो है वो मैट्रिक्स है, वेट मैट्रिक्स है, और बी इसमें बाइसनेस है,
और एच हमारे पास जो है वो हिडन सीक्वेंस है। ये यहाँ पे क्या टॉपिक वेक्टर्स जनरेट कर रहे हैं। और इक्वेशन 6 जो है सेकंड जो मकसद है इसको यूज़ करने का हिडन के स्टेट्स को के जनरेट अ प्रोबेबिलिटी पी आई टू डिटरमाइन वेदर द सेंटेंस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ और नॉट। मतलब ये कि इससे हम ये देख सकें कि आया ये इस पैराग्राफ या इस रिपोर्ट का ये आखिरी सेंटेंस है या नहीं। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। तो यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड सेट किया गया 0.5। अगर तो वैल्यू 0.5 के इक्वल या ग्रेटर होती है तो देन वो स्टॉप कर देगा, नेक्स्ट सेंटेंस जनरेट नहीं करेगा। अगर उससे लेस होती है यानी कि तो वो कंटिन्यू रखेगा, सेंटेंस को जनरेट करेगा। तो इसमें भी ये जो डब्ल्यू पी है वो वेट मैट्रिक्स है, एच हिडन स्टेट है और बी पी जो है वो बाइसनेस है। और जो सेकंड मॉड्यूल है वो है इनकॉर्पोरेटिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। इनकॉर्पोरेट द पेशेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इनटू डिकोडर। तो हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये हमारे पास पेशेंट की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन या मेडिकल हिस्ट्री है। तो इसको हर वर्ड के अगेंस्ट एक वर्ड एम्बेडिंग वेक्टर्स जनरेट किया गया और देन इन वेक्टर्स को बाय एलएसटीएम को एज ए इनपुट दिया गया एट ईच टाइम स्टेप टी। लेट्स सपोज ये वन है, टाइम स्टेप वन है और ये हमारे पास टाइम स्टेप टी है एलएसटीएम का। तो इसको जो है एट द टीथ टाइम स्टेप बी टी जो है बैक बी टी जो इज द इनपुट ऑफ द बाय एलएसटीएम एंड हिडन स्टेट ऑफ द बाय एलएसटीएम आउटपुट इज एच टी। इसका जो आउटपुट होगा वो एच टी बैक होगा। द प्रोसेस कैन बी रिटन एज इन इक्वेशन 8। मतलब इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है कि किस तरह बाय एलएसटीएम इनपुट ले रहा है और क्या आउटपुट जनरेट कर रहा है, ये हम इक्वेशन 1 में भी इक्वेशन 8 में देख सकते हैं कि बाय एलएसटीएम के पास जो इनपुट जा रही है वो बी वेक्टर्स जा रहे हैं जिनको हम बी से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो वर्ड एम्बेडिंग वेक्टर्स जा रहे हैं और बाय एलएसटीएम इन पे प्रोसेस करता है और देन फर्दर वेक्टर्स जनरेट कर रहा है, एम्बेडिंग वेक्टर्स जिनको हम यहाँ पे H1 से H3 तक H से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ अब ये जो वेक्टर्स बाय एलएसटीएम ने जनरेट किया तो यहाँ पे एक फर्दर जो है इनपुट किया जा रहा है, वनीला वर्ड एम्बेडिंग वेक्टर्स इनपुट किए जा रहे हैं और इन को यहाँ पे हम इस लेयर पे इनको ऐड कर रहे हैं, जो कि यहाँ से ये वेक्टर्स जो इनपुट किए गए ये और जो कि बाय एलएसटीएम के थ्रू जो वेक्टर्स जनरेट किए गए, देन उन पे इन वेक्टर्स के ऊपर फीचर वेक्टर्स के ऊपर सॉफ्ट मैक्स अप्लाई किया गया उनको नॉर्मलाइज करने के लिए, फिर नॉर्मलाइज्ड वेक्टर्स जनरेट किए गए और देन ये जो वेक्टर्स यहाँ से जनरेट हुआ नॉर्मलाइज्ड वेक्टर उसको और यहाँ से ये जो हमारे पास वनीला वर्ड एम्बेडिंग वाले वेक्टर्स आए इनको, इन दोनों को आपस में ऐड किया गया और फर्दर हमारे पास एक जो है एक और एम्बेडिंग वेक्टर्स आ गए, जो कि हम इक्वेशन 9 में देख सकते हैं कि किस तरह जो कि इस पार्ट से ये वाले वेक्टर्स हमारे पास फीचर वेक्टर आ गए और देन हमारे पास वनीला एम्बेडिंग वेक्टर आ गया और इन दोनों को हमने किस तरह प्लस किया और इनका समेशन लेके हमारे पास फर्दर जो है एम्बेडिंग वेक्टर्स आ गए। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो वर्ड आरएनएन है। वर्ड आरएनएन को अब दो चीज़ें इनपुट जा रही, वर्ड आरएनएन जो है वो बाय एलएसटीएम है और इसको दो चीज़ें इनपुट जा रही हैं, एक तो टॉपिक वेक्टर्स जो कि सेंटेंस आरएनएन के थ्रू जनरेट हुए और दूसरा इनकॉर्पोरेटिंग मॉड्यूल के थ्रू जो वेक्टर्स जनरेट हुए वो एज ए इनपुट वर्ड आरएनएन को जा रहे हैं और वर्ड आरएनएन जो है इन दो के बेस पे फर्दर वर्ड्स जनरेट कर रहा है जो कि वर्ड सेंटेंस या रिपोर्ट्स बना रहे हैं। ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटायर मॉडल जो है वो एंड टू एंड मैनर पे ट्रेंड हुआ हुआ है यहाँ पे और उसके अंदर ट्रेनिंग एग्जांपल के अंदर एक्स जो है वो इमेज है, एक्सरे इमेज और वाई उसकी एसोसिएटेड रिपोर्ट है, उसके साथ एसोसिएटेड रिपोर्ट है
और सबसे पहले तो फीचर्स निकाले गए, इमेज फीचर्स निकाले गए, देन जो है वर्ड आरएनएन को टॉपिक वेक्टर्स असाइन एज ए इनपुट दिए गए, जो कि सेंटेंस से निकाले, और क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन देन यूज़ हुआ। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, डाटा सेट जो इसमें यूज़ हुआ है वो आई यू एक्सरे डाटा सेट है, जिसमें इमेजेस भी हैं और रिपोर्ट्स भी हैं, और एक जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो है तीन चार सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट तो फाइंडिंग होती है जो कि रेडियोलॉजिस्ट की ऑब्जर्वेशन होती है, इम्प्रेशन जो आउटलाइन द फाइनल डायग्नोसिस, और कंपेरिजन सेक्शन में प्रीवियस इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट, जिस चीज़ को यहाँ पे इस पेपर में हैंडल किया गया है, और थर्ड जो फोर्थ सेक्शन जो होता है सिम्टम्स का। मॉडल को वैल्यूएट करने के लिए ये वैल्यूएशन मेयर्स यूज हुई हैं। इमेज इनकोडर में है रेजनेट 152 मॉडल यूज हुआ है, इमेज को रिसाइज किया गया 224x224, फिर इमेज को नॉर्मलाइज किया गया बेस्ड ऑन मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, और मल्टी अटेंशन मॉड्यूल अप्लाई किया गया। लैंग्वेज जनरेशन में LSTM सेंटेंस LSTM फॉर टॉपिक जनरेशन, बाय LSTM मॉडल टू इनकॉर्पोरेट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, एंड देन बाय LSTM मॉडल फॉर वर्ड जनरेशन। ये पैरामीटर्स हैं जो कि इस पेपर के अंदर जो यूज़ हुए हैं, कि एडम ऑप्टिमाइज़र यूज़ हुआ है, लर्निंग रेट जो है वो 0.001 है, बैच साइज़ जो है वो 24 है, ड्रॉप आउट जो है वो 0.5 है, और लैंग्वेज जनरेशन के लिए जो पैरामीटर्स थे वो इस टेबल में शो किए गए हैं। रिजल्ट्स, ये टेबल हमारे पास जो है रिजल्ट्स शो कर रहा है, और यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट पेपर्स के साथ कंपैरिजन किया गया है, तो हम देख सकते हैं जो इस पेपर में मॉडल प्रपोज किया गया था उसके रिजल्ट्स बाकी तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट के पेपर से बेहतर हैं। टेबल शोज द रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट मॉडल्स वैल्यूएटेड इन द टेस्ट सेट, प्रपोज मॉडल अचीव्स द बेस्ट रिजल्ट्स ऑन वैल्यूएशन मैट्रिक्स विच प्रूव्स द अफेक्टिवनेस ऑफ मल्टी अटेंशन एंड कॉर्पोरेटिंग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मॉडल एक्सेप्ट CNN RNN मॉडल आर मॉडल्स यूजिंग अटेंशन मैकेनिज्म विच इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल। ये जनरेटेड रिपोर्ट्स हैं, ये हमारे पास फर्स्ट तो ग्राउंड ट्रूथ हैं, बाकी जो इस पेपर के मॉडल्स को यूज़ करते हुए रिपोर्ट्स जनरेट की गई हैं। कंक्लूजन, इन दिस पेपर ऑथर स्टडी हाउ टू ऑटोमेटिकली जनरेट टेक्सचर रिपोर्ट्स, प्रपोज्ड अप्रोच एड्रेस टू मेजर चैलेंजेस, हाउ टू इन्हांस द मैपिंग बिटवीन टेक्स्ट एंड इमेज एंटिटीज पोजिशन ड्यूरिंग द लॉन्ग टेक्स्ट जनरेशन प्रोसेस ऑफ द इमेज पैराग्राफ, हाउ टू इनकॉर्पोरेट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन फ्राम डिफरेंट पेशेंट इन टू द रिपोर्ट जनरेशन मॉडल, टू कोप दीज चैलेंजेस प्रोपोज अ नॉवल मल्टी अटेंशन हेरेरिकल मॉडल, प्रोपोज अ मैथड ऑफ वर्ड इम्बेडिंग डेट इनकॉर्पोरेट्स पेशेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, इन्हांसिंग द फ्यूजन ऑफ वनीला वर्ड इम्बेडिंग एंड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। एक्सपेरिमेंट जो रिजल्ट हैं वो ये शो कर रहे हैं कि द मॉडल आउट परफॉर्म ऑल द बेस लाइन्स अचीविंग द स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस इन नेचुरल लैंग्वेज मैट्रिक्स ड्यू टू द अटेंशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन फ्यूजन।